हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टैग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बाइनरी सर्च इन जावा, कि जावा के अंदर आपकी जो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आप बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया अपना क्लास, एक क्लास बनाई हमने बाइनरी से, बाइनरी नाम की, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये दो लाइन तो सभी स्टूडेंट नोट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम पर। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एरे को डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने एक एरे ले लिया और हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च में जो एलिमेंट लेंगे वो पहले से सॉर्टेड होने चाहिए। तो इंट ए एक एरे, और मैं इसके अंदर पहले से ही उसके अंदर एलिमेंट डिक्लेयर कर देता हूँ। तो जो एरे के अंदर डिक्लेयर होते हैं एलिमेंट वो किस में होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो सॉर्टेड एरे लेना है 10, 20, 50, 64, कुछ भी लेना, लेकिन एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड लेना। तो ये मैंने एक एरे को डिक्लेयर भी कर दिया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब सबसे पहले जो मेरा लूप चलेगा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लो, LOW इक्वल टू 0। एक मैं ले लेता हूँ हाई, कि कितने एलिमेंट है मेरे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। तो 0 से 5 तक मैंने लूप चला दिया, यानी कि 4 तक चलेगा। और एक मैं ले लेता हूँ मिड, क्योंकि आप जानते हैं बाइनरी सर्च में हम जो सर्चिंग करते हैं वो मिड से करते हैं। अगर वो एलिमेंट छोटा है तो वो मिड के लेफ्ट में चलेगा, अगर वो एलिमेंट बड़ा है तो वो मिड के राइट में चलेगा। तो मिड इक्वल टू 0 ले लेता हूँ मैं, और जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है उसको मैं ले लेता हूँ एक्स, या फिर x ले लेता हूँ, जब मैंने ले लिया n इक्वल टू 84, यानी कि 64 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 64 सर्च करना है, ठीक है ना। अब हम चलाते हैं एक लूप। तो मैंने ले लिया एक वाइल लूप, और सबसे पहले लो से चलेगा वो हाई तक, यानी कि 0 से चलेगा वो 5 तक। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड निकाल लेते हैं कि हमारा मिड वाला एलिमेंट कौन सा है। तो मिड इक्वल टू कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई बाय 2, और लो और हाई को सबसे पहले ब्रैकेट में लिख देना, यानी कि पहले प्लस हो हमारा और फिर हमारा डिवाइड हो, वरना बॉर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपका पहले डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या निकल के आ गया, मिड एलिमेंट। अब हम कंपेयर कराएंगे कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो मिड से बड़ा है या छोटा है। तो मैंने इफ लगाई, इफ ए मिड लेस देन एन, वो एलिमेंट हमने मान लिया मिड से बड़ा है। तो अब आपका जो लो 0 था वो क्या हो जाए, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाए, यानी कि आपको पता लग गई कि मिड से बड़ा एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो। और डेफिनेटली 64 जो है वो 20 से बड़ा है, क्योंकि मिड में आपका 20 आएगा, तो हम इधर की तरफ चले गए। अगर ऐसा नहीं है तो else if a मिड इक्वस टू एन, क्या पता वो एलिमेंट वहीं मिल जाए, वो मिड में ही मिल जाए हमें, तो इसका मतलब मिड में ही मिल गया। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिमेंट फाउंड, और आप क्या कर दो ब्रेक।
ठीक है, इसके ब्रैकेट को भी आप बंद कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब इफ में नहीं जाएगा, एल्स इफ में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, एल्स इसका मतलब वो एलिमेंट छोटा है। तो अब आप अपने हाई को मिड माइनस वन कर दो, ठीक है ना। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है इसका मतलब तो वो एलिमेंट आपका मिला ही नहीं है। तो हम बाहर निकल के आ जाते हैं लूप से, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो इसका मतलब इफ आपका लो बड़ा है हाई से, तो आपने इसी लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ। जो भी एरर है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, कॉमा की वजह से एरर है, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा एरर को एक मिनट में। और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया, ये देखिए कॉमा लग रहा है यहाँ पर, जिसकी जगह क्या आएगा डॉट, यहाँ भी कॉमा लग रहा है तो जिसकी जगह क्या आएगा आपका डॉट, ठीक है ना। और यहाँ पर दे दीजिए एलिमेंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, अभी हमारी कुछ ना कुछ एरर है, देखते हैं। मैं कंपाइल कराने से पहले एरर देख लेता हूँ। सबसे पहले ये वेरिएबल को मैंने इंट डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे इंट दे दिया, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कोई एरर होगी, तो मैं आपके सामने इसको कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल कराया, देखिए लिख रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर, क्योंकि प्रोग्राम किसने बनाया है, मैंने बनाया, तो एरर आने के चांसेस है ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, इसको प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के बाद हमने अपना प्रोग्राम देखा, तो ये हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, और यहाँ पर हमने वर्ड मेन रन कराया, ओके। तो एलिमेंट फाउंड, क्यों एलिमेंट फाउंड, क्योंकि हमने कौन सा एलिमेंट ढूंढा है। दोबारा से थोड़ा सा देखिए, एक बार एडिटर में जाता हूँ, 64 में देख रहा था और 64 मेरे में है, तो एलिमेंट फाउंड। सो चलिए, तो अब हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि इसके अंदर फाउंड नहीं होगा, तो हमने ले लिया यहाँ पर 64 की जगह 94, ठीक है ना। हमने फिर से कंपाइल कराया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। आगे फिर इसको हम मिनिमाइज करते हैं, इसको हम रन कराते हैं, तो हमने इसको क्या कराया, रन, ओके। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर आया है एलिमेंट नॉट फाउंड। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये सर्च बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपका बाइनरी सर्च का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।